रमेश, आप लोगों से बात करके मन टटोलिए, जरा जानिए आंकड़ों के हिसाब से क्या लग रहा है लोगों की बातों से। बिल्कुल सीधे बात कर लेते हैं कि क्या मन रहा है, क्या मन रहा है इस बार यहाँ पर हुई वोटिंग। तो इस व्याप पे हुई कि जो 5 साल के अंदर मौजूदा सरकार ने जो कारनामे किए हैं, छात्रों के साथ, किसान के साथ, महंगाई, GST, ये सारी चीजें रही हैं, पूरी आम जनता बुरी तरीके से परेशान थी, सबका रुझान किस वादे के साथ समाजवाद लाने का दावा कर रहे हैं, किस मुद्दे पर वोटिंग। हमारे कहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम लोग, सभी सम्मानित हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश में लोग हैं, उसके बाद हम लोग हाई स्कूल इंटर के बच्चों को लैपटॉप देने का काम करेंगे। हमारी महिलाएं बुजुर्ग जो हैं उनको हम लोग 1500 रुपये महीना, 18000 रुपये साल हम लोग उनको पेंशन देंगे। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में ठीक है, नेताजी अभी भी दावों और वादों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये सारी बातें अगले चरण के लिए होंगी।